जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल गुड्स हाउस में। आपके लिए छोटा सा नई 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 नौकरी का वीडियो लाया हूं। उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, और आपके अपने सभी दोस्तों का शेयर भी कीजिएगा। दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल है गुड जॉब्स 007 और व्हाट्सएप ग्रुप है, लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। दोस्तों मेरा नाम संतोष कुमार जगटू, मैं आपका होस्ट। अब चलते हैं हमारे फॉर्म की तरफ। आज का हमारा फॉर्म है सेल ट्रेनिंग 2022। ब्रीफ इंफॉर्मेशन पढ़ लेते हैं। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया सेल हैज़ गिवन अ नोटिफिकेशन फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ ट्रेनी वैकेंसी इन इस्पात जनरल हॉस्पिटल IGH राउरकेला उड़ीसा। दोस्त कैंडिडेट हुआ इंटरेस्ट इन द वैकेंसी डिटेल्स एंड कंप्लीट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कैन रीड द नोटिफिकेशन एंड अप्लाई ऑनलाइन। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से वैकेंसी आया है, इसमें ट्रेनी का रिक्रूटमेंट है इस्पात जनरल हॉस्पिटल राउरकेला उड़ीसा के लिए। जो भी कैंडिडेट इसमें इंटरेस्ट वैकेंसी में इंटरेस्टेड है और अपने आप को एलिजिबल पाता है क्राइटेरिया के हिसाब से, तो पहले नोटिफिकेशन को पढ़ ले, उसके बाद इसमें अप्लाई ऑनलाइन भी कर सकता है। इसमें जो पोस्ट क्वालिफिकेशन सैलरी है देख लेते हैं। इसमें टोटल जो पोस्ट है 200 पोस्ट है, अलग अलग टाइप की पोस्ट है देख लेते हैं। पहला पोस्ट है मेडिकल अटेंडेंट ट्रेनिंग, मिनिमम मैट्रिक बोला इसमें क्वालिफिकेशन और इक्विवेलेंट मैट्रिक मिनिमम। इसमें टोटल पोस्ट दिया है 100 पोस्ट है। वह स्टाइफंड रेट है 7,000 रुपीज़ पर मंथ का, नीचे स्टाइफंड पेमेंट मिलेगा। क्रिटिकल केयर यूनिट नर्सिंग ट्रेनिंग, द कैंडिडेट शुड हैव पास द डिप्लोमा इन नर्सिंग जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी कोर्स फ्रॉम रिकग्नाइज नर्सिंग इंस्टीट्यूट ऑफ उड़ीसा और इंस्टीट्यूट रन बाय सेल प्लान यूनिट्स और BSc नर्सिंग फ्रॉम एनी रिकग्नाइज इंस्टीट्यूट और सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इशूड बाई नर्सिंग काउंसिल। कैंडिडेट्स पर्सन अंडर गोइंग देयर 1 ईयर ट्रेनिंग अंडर ASMT एंड अर्लियर ट्रेन ASMT और हु हैव कंप्लीटेड ट्रेनिंग इक्विवेलेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम फ्रॉम रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल हैविंग एटलीस्ट 1 ईयर एक्सपीरियंस इन पेशेंट केयर आर एलिजिबल। इसमें पोस्ट दिया 20 पोस्ट है, 17,000 स्टाइफंड है, 17,000 एडवांस स्पेशलिस्ट नर्सिंग ट्रेनिंग। द कैंडिडेट शुड हैव पास डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग और मिडवाइफरी कोर्स फ्रॉम रिकग्नाइज नर्सिंग इंस्टीट्यूट ऑफ उड़ीसा और इंस्टीट्यूट रन बाय सेल प्लांट यूनिट्स BSc नर्सिंग फ्रॉम एनी रिकग्नाइज इंस्टीट्यूट एंड सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इशूड बाई नर्सिंग काउंसिल। इसमें टोटल पोस्ट है 40 पोस्ट है, इसका जो सैलरी है स्टाइफंड रुपीज 15,000 है। डाटा एंट्री ऑपरेटर मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन ट्रेनिंग, द कैंडिडेट शुड हैव मिनिमम इंटरमीडिएट क्वालिफिकेशन विथ PGDCA फ्रॉम द रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी। प्रेफरेंस विल बी गिवन टू द कैंडिडेट्स हैविंग हायर क्वालिफिकेशन एंड मैं मिनिमम जो क्वालिफिकेशन मांगा है 12th पास मांगा है विथ PGDCA फ्रॉम द रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी बोला है। जिसके पास हायर क्वालिफिकेशन उनको प्रेफरेंस मिल जाएगा। इसमें टोटल पोस्ट है 6, इसका सैलरी स्टाइफंड है 9,000 है। मेडिकल लैब टेक्नीशियन ट्रेनिंग, द कैंडिडेट शुड हैव पास द डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी DMLT कोर्स फ्रॉम इंस्टीट्यूट रिकग्नाइज बाय द गवर्नमेंट। इसमें पोस्ट है 10, स्टाइफंड है 9,000 का। हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन ट्रेनिंग, द कैंडिडेट शुड हैव पास MBA PBA PG डिप्लोमा ग्रेजुएट इन हॉस्पिटल मैनेजमेंट एंड हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन। टोटल पोस्ट है 10, रुपीज 15,000 सैलरी है। OT/NSCC असिस्टेंट ट्रेनिंग, द कैंडिडेट शुड हैव पास इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन फ्रॉम रिकग्नाइज काउंसिल, शुड हैव कंप्लीटेड 1 ईयर ऑफ हॉस्पिटल अटेंडेंट एनेस्थीसिया अटेंडेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम फ्रॉम रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट और हॉस्पिटल। इसमें टोटल पोस्ट है 5, सैलरी है 9,000। एडवांस फिजियोथेरेपी ट्रेनिंग, द पास द बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी कोर्स फ्रॉम रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी विद द कंप्लीशन ऑफ इंटर्नशिप फ्रॉम रिकग्नाइज इंस्टीट्यूट। टोटल पोस्ट है 3, सैलरी है 10,000। रेडियोग्राफर ट्रेनिंग, द कैंडिडेट शुड हैव पास द डिप्लोमा इन मेडिकल रेडिएशन टेक्नोलॉजी फ्रॉम इंस्टीट्यूशन रिकग्नाइज बाय द गवर्नमेंट। टोटल पोस्ट 3, सैलरी है स्टाइफंड 9,000।
फार्मासिस्ट ट्रेनिंग शुड हैव पास अ डिप्लोमा इन फार्मेसी और बी फार्मेसी फ्रॉम इंस्टीट्यूशन रिकग्नाइज बाय द गवर्नमेंट। इसमें जो सैलरी 3 पोस्ट है तो सैलरी है 9,000 फ्रॉम एनी 9,000 की सैलरी है। एज लिमिट देख लेते, एक एज लिमिट आसान 1/8/2022 के अनुसार गिना जाएगा। मिनिमम एज 18 साल होना चाहिए, मैक्सिमम एज 35 ईयर्स। एज रिलैक्सेशन इज अप्लीकेबल टू SC ST OBC एंड कैंडिडेट्स पर द रूल्स रहेगा। अप्लाई स्टार्टिंग डेट टू अप्लाई ऑनलाइन का 5/8/2022 रहेगा, लास्ट डेट टू अप्लाई ऑनलाइन का 20/8/2022। इसका ऑफिशियल वेबसाइट है http://igh.cl.clrsp.co.in। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से भी चेक कर सकते हैं। दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा और आपके अपने सभी दोस्तों से शेयर भी कीजिएगा। दोस्तों सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।